हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट अंशुल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंशुल। फ्रेंड्स, आज हम एक देखने आए एक लग्जरी विला जो कि है लेगेसी हेवन। आपने एक गाना बहुत ही सुना होगा आजकल कि बना दूं घर चंडीगढ़ में। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ के घर में कि ऐसा क्या खास होता है जो लोगों को पसंद आता है? फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही स्पेशियस घर है और साथ में ये एक एयरबीएनबी का घर है जहाँ पे आप बेस्ट पार्ट है, आप इसके अंदर रह भी सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसके फ्रंट और एलिवेशन और देखिए इसके ब्यूटीफुल लुक्स को। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे ही हम एंटर करते हैं इस घर के अंदर, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश जहां पे हम अपनी गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव घर बना हुआ है फ्रेंड्स ये। और यहां पर हमारा जो स्टार्टिंग का वर्क है वो हमारा सिंपल पत्थर से बना हुआ है। हम यहां पे कंक्रीट यूज करते हैं लोग या कुछ और कंस्ट्रक्शन का करते हैं, यहां पे हमने नेचुरल पत्थर लगाए हुए हैं जो बहुत अच्छा सुंदर लुक दे रहे हैं। और साथ के साथ हमने ट्रांसपेरेंट लुक के लिए ये सिंपल टाइल्स लगाई हुई है। आप देखिए लो बजट में हमने किस तरीके से अच्छा काम किया हुआ है। हम लोग आए हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर हमारे को प्रोविजन मिलता है स्टेयर्स का और इसके साथ के साथ लिफ्ट का। इसके बाद हमारे ओनर यहां की मिसिज नेहा बताएंगी आगे इस घर के बारे में, क्या इसका इंटीरियर्स हैं, कैसे है। सो दोस्तों, चलते हैं अपने ओनर से मिलने, मिसिज नेहा से। हाई एवरीवन, एज अंशुल हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट द पार्किंग एंड एज वी एंटर इन दिस हाउस, सो आई विल टेक यू ऑन द फर्स्ट फ्लोर वेयर आई विल सी how beautifully we have made this house. हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर की एंट्रेंस को हमने एक वुडन लुक दिया है कि घर एक होम फ्रेंडली लगे। और इसमें हमने तीन डोर्स क्रिएट करे हैं कि अगर घर के अंदर कोई एंटर कर रहा है या हम कोई हैवी सामान लेके आ रहे हैं तो हमें सिर्फ मेन डोर ही खोलना पड़े। और अगर हमारे गेस्ट आ रहे हैं और हम लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो हम साइड का छोटा दरवाज़ा यूज़ करेंगे। ये बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए भी ठीक रहता है और अगर घर में ओल्डरली मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतर रहता है। तो अब देखते हैं इस घर के अंदर हमने इसको कैसे यूज़ करा है। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करते ही वी रीच टू द ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम। और इसके अंदर हमने ड्राइंग रूम और साथ में लिविंग रूम का ऑप्शन दिया है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि घर के फैमिली मेंबर्स हैं, टीवी की प्रोविजन चाहते हैं, तो हमने ड्राइंग रूम के साथ ही छोटा सा लिविंग रूम बना दिया है। तो यहाँ से आप इजीली टीवी देख सकते हैं और लिविंग रूम जो है वो किचन के पास है। तो हर टाइम बेडरूम में जाने के बजाय द होल फैमिली कैन सिट इन द लिविंग रूम एंड एंजॉय द हाउस। जैसे कि हम देख रहे हैं ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में और हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं, हमने वॉल्स को कॉमन रखा है और हमने इसके ऊपर रस्टिक करवाया है। रस्टिक जो है ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये कैसे है, एक जो इसकी कॉस्ट है जब ये करते हैं इसको एक ही कोट में ये इसकी फाइनल कवरिंग आ जाती है।
और बार बार इसको कोई साफ नहीं खुरचना नहीं पड़ता, बस एक बारी में जैसे ही वो पुट्टी को इसके ऊपर लगाते हैं और अपना हाथ घुमाते हैं, ये बॉल देखने के लिए तैयार है। और आगे कभी अगर ये गंदी हो जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा पेंटर को बुलाएं, आप इसको घर पे वॉश कर सकते हैं, सर्फ का पानी डालिए और ये साफ़ हो जाती हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि जिस तरह का इंडियन क्लाइमेट है बहुत गंदा हो जाता है, तो हमारे लिए हाउसवाइफ्स के लिए ये बहुत ईजी है करना। और इसके साथ साथ हमने ड्राइंग रूम के अंदर ही एक छोटा सा पाउडर रूम बनाया है कि अगर आप ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी कमरे के वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही पाउडर रूम के अंदर जाके अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं और दोबारा से लिविंग रूम और ड्राइंग रूम को एंजॉय कर सकते हैं। ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिटेड है अगर आपके गेस्ट कोई आए हुए हैं जिनको आप बेडरूम तक नहीं लेके जाना चाहते। जैसे कि हम देख रहे हैं इस घर का फ्लोर बनाने के लिए हमारे पास कई तरह की ऑप्शंस थी, और इटालियन मार्बल हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था बिकॉज़ घर में फ्लोर वाइज बना हुआ है घर, तो हमने बिल्कुल उसी की लुक में हमने टाइल्स यूज़ करी हैं जो बिल्कुल इटालियन लुक दे रही हैं जो आप देख सकते हैं, और कलर हमने क्रीम चूज़ करा है कि इसके डेकोर के साथ अच्छी लगेंगे और इटालियन मार्बल की भी लुक दे। तो आइए अब हम देखते हैं, ये पहला बेडरूम है जो हमने यहाँ बिल्कुल फ्रंट में बनाया है जो फ्रंट की बालकनी के साथ अटैच है। चलिए देखते हैं कि इस कमरे के अंदर क्या क्या ऑफर है। इस रूम का नाम रखा है हमने सोलेरियम स्वीट, वो इसलिए रखा है कि बिकॉज ये फ्रंट पे है तो इसमें सनलाइट बहुत अच्छी आती है, तो अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो विंटर्स में सनलाइट तो प्लीज़ चूज़ दिस रूम ओनली। और दूसरा इसकी ब्यूटी और क्या है, हमने वॉलपेपर की जगह पे हमने टाइल्स यूज़ करी हैं बिकॉज़ वॉलपेपर अगर थोड़ा भी सीजन आता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, बट ये टाइल्स हैं, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और वन टाइम यूज़ हैं। आप देख सकते हैं कि हाउ वेल दे आर मैचिंग विद टाइल्स एंड द कबर्ड्स एंड द ऑल यू नो डेकोर ऑफ दिस रूम। वॉशरूम है और वॉशरूम के अंदर हमने एक बिग ग्लास यहाँ पे दिखाया है, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके अंदर यहाँ पे वॉशरूम में खूब लाइट आ सके और आपको नेचुरल लाइट में ही आप अपना मेकअप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रेडी। हमने घर बनाते हुए बहुत कोशिश करी है कि हम घर के
हर रूम के साथ एक बैल्कनीज को दे सके, बिकॉज ये फ्लोर पूरे फ्लोर वाइज बने हुए हैं तो कि गार्डन की फील आए और एक बैल्कनी का एक्सेस रहे, तो हमने इसको हर रूम के साथ अटैच कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ग्रीन ग्रास यूज़ करा है और प्लांटर्स रख दिए हैं, तो आपको लॉन की कमी महसूस नहीं होती। यू कैन एंजॉय योर इवनिंग एंड मॉर्निंग टी बाय सिटिंग हियर एंड लुकिंग एट द डिफरेंट व्यू ऑफ हिमालयस एंड दिस नाइस ग्रीन पार्क। आप देख रहे हैं कि हमने इस घर को बहुत स्पेशियस बनाने की कोशिश करी है, तो पूजा रूम के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन दी है जिसके अंदर मैंने अपने भगवान जी को प्लेस करा है और ये किचन के बिल्कुल सामने है, तो यहीं पे हम पूजा करते हैं और अपनी डेली प्रेयर करते हैं। और इसके साथ में ही मैं आपको अपने दूसरे बेडरूम की तरफ लेके चलती हूँ। हमने इसके अंदर कबर्ड्स की ऑप्शन दी है, एक वॉक इन एरिया बनाया है और साथ में रस्टिक वॉल्स हैं जो इस घर में कॉमन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैक बैल्कनी के साथ अटैच्ड है, तो जितने भी रूम्स हैं इस घर के अंदर सबको हमने बैल्कनी का एक्सेस दिया है टू फील दैट ग्रिप ऑन द हाउस। कोई भी रूम ऐसा नहीं है जो इसके साथ बैल्कनी ना हो। तो इस रूम को हमने मास्टर बेडरूम बनाया है, छोटा सा फ्रिज भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, सोफ़ा कम बेड इसके अंदर आ चुका है और एक फुल फ्लैश सुपर किंग साइज़ बेड है। और अगर बच्चे इस रूम के अंदर हैं तो उनके लिए स्टडी टेबल की प्रोविज़न भी दी है। और लाइटिंग के लिए हमने वॉल्स को यूज़ ना करके हमने फुल ग्लास स्लाइडर्स यूज़ करे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूम में लाइट कम है और आप नेचुरल लाइट चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्लाइडर्स को खोल सकते हैं और आप बाहर का व्यू देख सकते हैं और फ्रेश एयर को भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे लाउंज में, जहाँ पे हम यूजली अपने दिन का बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। और इसको हमने बहुत इनोवेटिव बनाने की कोशिश करी है बाय यूजिंग द ग्लास इन इट। जैसे कि हम इस रूम के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने स्लाइडर्स को यूज़ करा है, तो लाइट के लिए हम इन स्लाइडर्स को पूरा ओपन कर लेते हैं जो हमें नेचुरल लाइट देती है। और साथ ही साथ हमने जो इसकी रूफ़ है, रूफ़ के ऊपर हमने हाई टफन सिक्योरिटी ग्लास यूज़ करा है जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर है और ये बहुत नेचुरल लाइट देता है और आप यहाँ पे बैठ के आप आसमान के नज़ारे देख सकते हैं।
कि आपने देखा कि हमने हर कमरे को एक थीम देने की कोशिश करी है कि घर के अंदर ही वैरायटी ऑफ रूम्स हो। तो ये हम जाते हैं चौथे कमरे की तरफ, इसका नाम मैंने कैप्टन्स डोम दिया बिकॉज मेरे हस्बैंड शिपिंग में है और इसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें और सिंबल्स यूज़ करे हैं फॉर द यू नो द मेमोरी से एंड टू गिव न्यू फील टू दिस रूम। तो आइए देखते हैं इस कमरे के अंदर क्या है ऑफर करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस रूम के अंदर हमने वाइट, रेड और ब्लू कलर को यूज़ करा है, तो उसके साथ में हमने ये जो कबर्ड्स बनाई है, कबर्ड्स के अंदर मैंने ग्लास कबर्ड के साथ साथ यहाँ पे क्लोथिंग कट सैटन टच दिया है जो इसको एक बहुत ही सुंदर और यूनिक लुक दे रहा है। इसके अंदर कबर्ड्स हैं, शू रैक्स हैं और लॉफ्ट्स हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं इस रूम की फ्लोरिंग बाकी पूरे घर से डिफरेंट है, तो मैंने वुडन प्लैंक्स की जगह, बिकॉज वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं और इंडिया में थोड़ा सीलन का और टर्माइट का प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे टाइल्स यूज़ करी हैं बट वुडन लुक के अंदर, बिकॉज ये बहुत ही इनका एडवांटेज है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है और क्लीनिंग के लिए बहुत ठीक रहती हैं। और साथ में हर रूम की तरह इस रूम के अंदर भी ऑप्शन है एक वॉशरूम की, और हमने इसको एक ग्लास वॉशरूम की लुक दी है जो कि बहुत ही सुंदर है अपने आप में और बहुत ही कॉम्पैक्ट और इस रूम को बहुत अच्छा लुक दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको सारे बेडरूम्स का एक टूर दिया, तो अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया एक लेडी के लिए, विच इज़ द किचन। और किचन के साथ हमने डाइनिंग बनाया है, तो हमने हर तरीके से सोच के कॉस्ट इफेक्टिव, स्पेस इफेक्टिव, तो मैंने इस लॉबी को जो किचन की तरफ जाती है इसमें छोटा सा 4-सीटर डाइनिंग की प्रोविजन दी और साथ में ही लिविंग रूम रखा है कि अगर कई बार ज़्यादा लोग हैं तो वो लिविंग रूम में बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में टीवी का एक्सेस है, अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो आप सीधा टीवी को भी देख सकते हैं, सो आई थिंक वीमेन विल नॉट गेट बोर्ड इन दिस वे। सो जैसे कि हम थोड़ा आगे आते हैं, तो साथ में मैंने यहाँ पे क्रॉकरी के लिए एक पूरी फुल फ्लैश कबर्ड दी है जिसके अंदर आप क्रॉकरी स्टोर कर सकती हैं, अपनी सॉसर, ग्लासेस, कप्स यू कैन स्टोर हियर। और साथ में एक छोटी सी मैंने किचनेट दी है, इसके अंदर आप अपनी हेवी जो कटलरी है उसको स्टोर कर सकते हैं। किचन के अंदर किचन को मैंने वाइट ग्लॉसी माइका यूज़ करा है इसलिए कि ये बहुत इजी है क्लीन करने के लिए। आप एक वेट क्लॉथ लीजिए, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और हमने हॉप यूज़ करा है फैबर का, विच इज़ वेरी गुड, आई एम यूजिंग इट। एंड सारे इसके अंदर ड्रॉर्स बन चुके हैं जिसके अंदर आप अपनी हर तरीके की कटलरी और जो ग्रेन्स एक किचन में यूज़ होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। सो सारा कुछ मैंने कोशिश करा है कि इसके अंदर ही रखें, तो किचन इसके साथ साथ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशियस लगती है, खुली लुक देती है।
थोड़ा सा हमने ड्राई एरिया दिया है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन और आयरन बोर्ड यूज़ करा है कि बाय द टाइम किचन का काम ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम बाकी का जो एक घर का घरेलू काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एरिया साथ के साथ आपको ले जाता है पीछे की बैल्कनी में। तो बैल्कनी को हम मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं, कई बार हम यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी जो वेजिटेबल स्टोर करते हैं और कई बार जो कपड़ों को ड्राई करें उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये बैक साइड पे है। साथ में हमने एक स्टोर बना दिए जिसके अंदर आप कुछ भी जो आपका किचन का है वो राशन स्टोर कर सकते हैं और जो भी चीज़ आप स्टोर करना चाहते हैं बाहर की बाहर कर सकते हैं, किसी रूम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अब आ गए हम टॉप फ्लोर के ऊपर। आपने देख ही लिया होगा कि चंडीगढ़ का घर क्यों इतना अच्छा होता है, क्योंकि ये स्पेशियस है, यहाँ पे सनलाइट इतनी अच्छी है, यहाँ पे हमारी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, हमारी घर के अंदर ही गाड़ी भी पार्क हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इतना अच्छा घर है, मुझे देख के बहुत ही पसंद आएगा, आपको भी अच्छा ही लगा होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।